Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बाय करने लगा हूं दो क्यूज़ अपने मेन अकाउंट में। एक कैंडल शेडो क्यू है, इसके साथ सुल्तान अवतार है 37 कैश के साथ 390 वीआईपी पॉइंट्स हैं और 3 सरप्राइज बॉक्स। दूसरा है फेंट रिफ्लेक्शन क्यू, इसके साथ वजीर अवतार हैं 93 कैश, 6 सरप्राइज बॉक्सेस हैं और 1092 वीआईपी पॉइंट्स हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा जो टायर है वो गोल्ड है। तो चलिए चलते हैं उस क्यू की तरफ, बाय करके मैं आपको बताता हूँ। पेमेंट मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है, उसके मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको अकाउंट में बताता हूँ वो वीडियोस वो क्यूज़ खोल के कि मैंने। और अभी आप देख सकते हैं वीडियो शुरू करते वक्त मेरा टायर था गोल्ड और अब चला गया है एमरल्ड में। तो ये मेरे लिए एक आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे जेन्युइन अकाउंट में इस वक्त एमरल्ड टायर है। और अभी मैं आपको बताता हूँ उसकी क्यूज़। ये आप देख सकते हैं फेंट रिफ्लेक्शन क्यू, इसमें फोर्स और एम के 4-4 बार हैं जबकि स्पिन और टाइम के 5-5 बार हैं। और ये मुझे मिली है, ये चार्ज होगी 1K से, और जबकि दूसरी क्यू है वो है कैंडल शेडो क्यू, उसकी पावर्स और बाकी सब बार जो हैं वो काफ़ी कम हैं। तो आज मैं खेलने लगा हूँ इनडायरेक्ट गेमिंग फेंट रिफ्लेक्शन क्यू से। बड़ी अच्छी क्यू है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। तो अभी चलते हैं अपने मैच की तरफ, तो देखते हैं कि कैसे है ये क्यू और देखते हैं चलें। और इसके साथ ही जो दो अवतार मुझे मिले थे, एक सुल्तान था और एक वज़ीर, मुझे वज़ीर का पसंद आया है क्योंकि ये थोड़ा सा बेहतर है। सुल्तान का भी मैंने अभी लगाऊंगा गेम में, ये सुल्तान का आप देख सकते हैं अवतार और जो इस वक्त लगा हुआ है वो है वज़ीर का। तो ये था मेरा आज का मेन मकसद वीडियो को बनाने का। और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 214 पॉइंट्स एमरल्ड टायर में भी हो गए हैं। डायमंड में जाने के लिए मुझे 1,34,786 पॉइंट्स चाहिए। तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ और देखते हैं कि ये वीडियो या ये क्यू जो है ये कैसे, किस तरह की इसकी पावर्स हैं, ये क्या करती हैं। अभी मैं इसके साथ प्ले करने लगा हूँ एक लकी शॉट और देखते हैं मेरा लक कितना काम करता है। न्यू क्यू है तो अभी देखते हैं प्ले करके के क्या होता है। मेरा लक इसमें इतना ज़्यादा काम तो नहीं करता, लेकिन आज देखते हैं कि आज क्या होता है। और थोड़ा तेज़ लेकिन नहीं, ये आया है रेड सर्कल में, तो इससे मुझे मिला इलियट बॉक्स। और इलियट बॉक्स में आपको सब कुछ पता है क्या होगा, मेरे पास वो क्यूज़ पहले से ही मैक्स पे हैं जो यहाँ से मुझे मिलेंगी। अब देख सकते हैं ट्रेडिशनल क्यू है और दूसरा है ब्लू होप क्यू, मेरे पास पहले से ही लेवल मैक्स पे हैं, तो वैसे ही ये टाइम ही मैंने ज़ाया किया है इस शॉट को प्ले करके। तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ और आज मैं प्ले करूँगा सबसे पहले रोम क्लोजियम में। तो चलते हैं रोम क्लोजियम में, मैं देखता हूँ कि इनडायरेक्ट गेमिंग करने इस क्यू के साथ कैसा रहेगा। तो बस दुआ ये करनी है कि मेरा ब्रेक आ जाए, ब्रेक अगर मेरा आ जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो क्यू की पावर का भी पता चल जाएगा कि ब्रेक के टाइम कैसी है। अभी इस वक्त तो वल्कैरी क्यू इस वक्त ओपन हुई है, लेकिन मैं जाके गेम में ओपन करूँगा फेंट रिफ्लेक्शन क्यू। तो फेंट रिफ्लेक्शन क्यू से ओपन करूँगा मैं, ब्रेक करूँगा मैं, देखते हैं कितने बॉल पार्ट होते हैं फर्स्ट शॉट पे। तो अभी क्यू ढूंढने में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये आ गई है फेंट रिफ्लेक्शन क्यू और चलिए चलते हैं ब्रेक करते हैं थोड़ा सा बैक स्पिन के साथ। नाजरीन ये बड़ा ही प्यारा ब्रेक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल पार्ट होगा क्योंकि इसकी फोर्स बहुत ही कम है। लेकिन चूँकि ये एक चैलेंज है मेरे लिए, मैंने बाई किया है, बाई तो असल करना मेरा मकसद था कि मुझे वीआईपी पॉइंट्स मिलेंगे ताकि मेरा टायर जो है वो एमरल्ड हो जाए। उसके साथ मुझे थोड़ा बहुत कैश भी मिला, कैश का लालच तो हर कोई करता है। कॉइन्स मेरे पास पहले से ही 15 बिलियंस हैं। तो इस भाई ने बाट किया है एक स्ट्रिप बॉल, तो देखते हैं बाकी गेम ये कैसे करते हैं। गाइज़ मेरे चैनल पे आप लोगों को रिस्पांस देने का बहुत शुक्रिया, वो लोग जो मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं उन लोगों का बहुत ही शुक्रिया। और अभी देखते हैं यहाँ से ये ब्लू बॉल को कैसे पार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट के साथ ये बॉल इन्होंने पार्ट किया है, नेक्स्ट बॉल ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट करेंगे। इस भाई के बॉल रह गए हैं दो बॉल रह गए हैं और अभी इनका रह गया है टॉप मिडल के पास एक बॉल, उसको पार्ट करके देखते हैं। यहाँ से ये बॉल पार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ब्लैक बॉल, लेकिन देखते हैं कहाँ पे ये ट्राई मारते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मिडल में, बॉटम मिडल पॉकेट में ही ये ट्राई मारेंगे। और अगर इस भाई ने स्पिन ना किया
यानी कि मेरे अपोनेंट ने स्पिन ना किया तो इसका क्यू बॉल पार्ट हो जाएगा और इसके साथ ही ये मैच मैं विन कर गया हूँ। नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मैच में मेरा लक कितना मेरा साथ देता है। फिर रिफ्लेक्शन क्यों बाय की है मैंने, फ्री में तो मिली नहीं है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। फेंट रिफ्लेक्शन क्यू के साथ पहले मैच में तो ब्रेक किया मैंने, लेकिन ब्रेक के साथ मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट मैच में मेरा मैच पड़ा है महताब पीके के साथ। ये मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी प्लेयर है और ये ब्रेक कर रहे हैं थार हैमर क्यू से। गाइस थार हैमर क्यू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्यू। थार हैमर क्यू, वेलकैरी क्यू, फायर स्टॉर्म क्यू, प्लाज्मा क्यू, आर्कन क्यू भी मुझे बहुत पसंद है, आर्कैंजल क्यू, लेकिन चूंकि वो मेरे पास है नहीं तो लिहाजा उसकी मैं इतनी तारीफ नहीं करूंगा। लेकिन थार हैमर क्यू इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्यू और इसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा प्ले किया हुआ है। कि अगर किसी भी लेजेंडरी क्यूज के साथ मैंने सबसे लेजेंडरी क्यू के साथ मैंने प्ले किया हुआ है तो वो थार हैमर क्यू ही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा थार है लेजेंडरी क्यूज़ में पसंद है वो है फिनिक्स क्यू। है तो बहुत ही यानी कि लेजेंडरी क्यूज़ में बहुत कम पावर, स्पिन, फोर्स और टाइम की क्यू है, लेकिन वो मुझे उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस आप अपना फेवरेट लेजेंडरी क्यूज़ भी कमेंट कर सकते हैं। इस भाई को भी मैंने बोला भी है कि इनडायरेक्ट गेमिंग करते हैं, तो अभी इन्होंने गेमिंग नहीं की। अभी मैं फिर दोबारा ट्राई करता हूँ इनडायरेक्ट गेमिंग की तरफ। तो पर्पल बॉल को मैं बॉटम मिडल पॉकेट में पार्ट करूँगा और अभी नेक्स्ट मेरा बॉल है ग्रीन बॉल, तो इसको मैं टॉप राइट पॉकेट में पार्ट कर दिया है मैंने। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बॉल पार्ट करता हूँ। ऑरेंज बॉल को मैं टॉप राइट पॉकेट में बैंक शॉट के साथ पार्ट करता हूँ, बैक स्पिन करूँगा, फुल बैक स्पिन। तो गाइज आप इस क्यू की पावर्स देख सकते हैं और वीडियोस गाइज आप लोगों को पता है कि मैं वीडियोस स्ट्रीम करके और स्पीड बढ़ा के मैं बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैच दिखा सकता हूँ। ट्रिक शॉट प्ले करने लगा हूँ मैं, ब्लू बॉल को कुशन शॉट के साथ टॉप राइट मिडल पॉकेट में पार्ट करूँगा और ये ब्लैक बॉल के साथ पार्ट होनी थी लेकिन नहीं गई, उल्टा मेरा क्यू बॉल चला गया है। तो अभी देखते हैं अब भाई कॉम्बिनेशन शॉट के साथ इन्होंने पार्ट किया अपना बॉल, तो अभी यहाँ पे ये बैंक शॉट पार्ट करने लगे हैं। शुक्र है इस भाई ने मेरे साथ इनडायरेक्ट गेमिंग शुरू की है, तो अभी ये दिखाने लगे हैं कि यहाँ से ग्रीन बॉल बैंक शॉट करेंगे और ब्लू बॉल चला जाएगा बॉटम लेफ्ट पॉकेट में। तो देखते हैं इनका शॉट कितना कामयाब होता है और वाकई इनका शॉट बहुत ही कामयाब रहा। तो अभी मैं इनको दूँगा एक चैट पैक और इन्होंने पार्ट किया है क्यू बॉल। अभी मैं फिर मेरी बारी है तो मैं फिर दोबारा प्ले करूंगा इनडायरेक्ट गेमिंग और बैंक शॉट के साथ मैंने डाला अपना ब्लू बॉल। येलो बॉल को मैं बॉटम राइट पॉकेट में पार्ट करूंगा, यहां से मैं खेलूंगा ट्रिक शॉट, तो देखते हैं ट्रिक शॉट कहां तक कामयाब होती है। तो गाइस यहां से ट्रिक शॉट बनती है बॉटम राइट पॉकेट में और मेरा लक काम नहीं किया। तो अभी देखते हैं कि ये भाई कैसे ये बॉल पार्ट करते हैं, जैसे ये गेम पहले प्ले कर रहे थे वैसे ही अगर ये प्ले करेंगे तो ये कह रहे हैं कि ये प्ले करेंगे बैंक शॉट के साथ ये बॉल पॉट करेंगे। तो देखते हैं, अरे भाई इन्होंने ये जो पोजीशन बनाई हुई है ये बैंक शॉट की तो नहीं थी, इन्होंने चीट किया गाइस, इन्होंने अच्छा नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों के सामने मैं इनडायरेक्ट गेमिंग कर रहा था और इस भाई ने बिल्कुल ये अच्छा नहीं किया इन्होंने। बहरहाल चले छोड़े, चलिए नेक्स्ट मैच की तरफ देखते हैं। लेट्स प्ले अगेन का मैसेज भेजा मैंने, तो अभी ये इनके साथ दोबारा प्ले करके देखता हूँ। यार भाई क्वाइंस इतने ज़रूरी नहीं, मैं इतना दिल लगा के खेल रहा हूँ तो होनी तो चाहिए यार थोड़ी सी इंटरेक्ट गेमिंग। 40 लाख क्वाइंस हैं या 4M क्वाइंस हैं, तो ये कोई इतना बड़ा वो तो नहीं है। तो दोबारा से इंटरेक्ट गेमिंग की तरफ आते हैं तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मैं जैसे नाज़रीन पिछले वीडियो में पिछले मैच में मैंने जो ट्रिक शॉट प्ले की थी अभी मैं इसी में प्ले करने लगा हूँ। दोबारा मिडिल पॉकेट में पार्ट करूँगा ऑरेंज बॉल को, पर्पल बॉल को ऑरेंज बॉल के साथ मैं बॉटम मिडिल पॉकेट में पार्ट करने की कोशिश करता हूँ। बैक स्पिन, फुल बैक स्पिन, ये क्या था, व्हाट द हेक इज दिस। तो गाइस अभी मेरा अपोनेंट प्ले कर रहा है इनडायरेक्ट गेमिंग और मुझे बहुत खुशी है जब कोई मेरे साथ इनडायरेक्ट गेमिंग प्ले करता है। बात कॉइंस की नहीं है, लेकिन अगर आप प्ले कर रहे हो इनडायरेक्ट और आपका अपोनेंट करता है डायरेक्ट गेमिंग तो बहुत ही बुरा लगता है। तो अभी मैं दोबारा प्ले करता हूँ इनडायरेक्ट गेमिंग की तरफ, ब्लू बॉल को मैं पार्ट करूँगा टॉप लेफ्ट पॉकेट में और अभी देखते हैं नेक्स्ट मेरा कौन सा बॉल है। येलो बॉल है, एक नंबर बॉल मैं पार्ट करूँगा टॉप लेफ्ट पॉकेट में, उसके बाद अभी देखते हैं कि कौन सा बॉल होता है पॉट।
तो गाइस अभी मैं पार्ट करूंगा ऑरेंज बॉल को ग्रीन बॉल की तरफ ट्राई करके कॉम्बिनेशन शॉट के साथ। ऑरेंज बॉल को ग्रीन बॉल, ऑरेंज बॉल के साथ मैं ग्रीन बॉल को पार्ट करने की कोशिश करता हूं, तो देखते हैं क्या होता है। फुल बैक स्पिन और ये मिस हुआ। तो ये गाइस ट्राई करते रहना, कोई इतना मसला नहीं है। अभी ये भाई पार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन शॉट, इन्होंने भी खेली लेकिन बॉल पार्ट नहीं हुई। तो अभी मैं दोबारा प्ले करता हूँ अभी अपनी इन रेड गेमिंग की तरफ, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस ये शार्ट मेरी तरफ आज कुछ ज़्यादा ही आ रही है कि मिडिल में, और मिडिल में मेरा चांस फिर ज़्यादा ज़ाया हो गया है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। गाइस वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया, और वो लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं उन लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह इस महीने की 20 तारीख को मैं करने लगा हूँ अपने अकाउंट से एक बड़ा गिव अवे। और वीडियो में बता दूं आपको कि मेरे अपोनेंट ने पार्ट किया है ब्लैक बॉल, और इसके साथ ही मैं मैच विन कर गया हूं। तीसरा मैच प्ले करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन मैं वीडियो को ट्रिम करूंगा, तो अभी मैं खेलने लगा हूं एक ट्रिक शॉट, तो देखते हैं अभी क्या होता है। राइट कुशन बॉटम कुशन के साथ टच करके लेफ्ट कुशन, और ये मिडल में जानी थी लेकिन चूंकि आगे चली गई है, तो अभी देखते हैं कि मेरा अपोनेंट ट्रिक शॉट खेलता है या बिल्कुल आम सी शॉट प्ले करता है। तो ट्रिक शॉट प्ले करने लगा है गाइस मेरा अपोनेंट, और ये यहाँ से ये पार्ट करेंगे टॉप मिडल पॉकेट में, और बहुत ही अच्छी ट्राई थी गाइस। तो यहाँ से मैं फिर प्ले करूँगा एक ट्रिक शॉट, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और मैं ये भी मिस कर गया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं बनाता हूँ ये वीडियोस। थैंक यू गाइज, बाय, अल्लाह हाफिज़।